सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में। क्या है ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, क्यों होता है, क्या रीज़न है। अगर आप लोग को नहीं पता या फिर आप एक यूट्यूबर हो, आपको यूट्यूब पर काम करते हुए बहुत वक्त हो चुका है या फिर अभी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो और आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में नहीं पता, भाई कैसे हो आप लोग यार, क्यों नहीं पता, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो भाई इस वीडियो को प्लीज़ एंडिंग तक जो है देख लेना, पता चल जाएगा इस वीडियो में। ओके सॉरी, उधर देख लिया, आई कॉन्टेक्ट भी कर गया, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल, उसके लिए सॉरी। बट इस वीडियो को जो है पूरा वॉच कर लेना, तभी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पता चल जाएगा। लेकिन यूट्यूब में दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और कॉपीराइट स्ट्राइक। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में ही बताऊंगा। अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो चाहिए भाई, उसके लिए एक कमेंट कर देना, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर जिसने मेरे प्यूस ब्लॉग्स वाले चैनल पर मैंने एक वीडियो डाली थी, आई गॉट माय फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि भाई जो मेरे से गलती हुई है, मैं नहीं चाहता यार कि आप लोग वो गलती करो, भाई दुख बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बुरा बहुत लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं जो वो वीडियो मैंने डाली थी तो अभी का रूल और पहले का रूल में भाई कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले का रूल ऐसा था कि अगर आपको पहले कोई भी स्ट्राइक मिल जाती थी तो आपका चैनल साथ साथ सस्पेंड या फिर डिलीट कर दिया जाता था, और अगर आपने सही से फिर ढंग से आपने अपील कर दी तो आपका जो स्ट्राइक है वो हटा दिया जाता था, मतलब आपको चैनल वापस दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई, अब ऐसा होता है कि आपको पहले स्ट्राइक नहीं, आपको पहले वार्निंग दी जाएगी। हाँ, आपको पहले वार्निंग दी जाएगी भाई, आपको अब ये हरकत या फिर और भी जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के खिलाफ है या फिर आप किसी स्ट्राइक को वॉयलेट कर रहे हो, तो आपको वो हरकत नहीं करनी है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंडिंग तक वॉच कर लेना। बट चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, या फिर मैं पहले अपनी बात कर लूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। मैं एक हफ्ते से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, मैंने अपने प्योर व्लॉग्स वाले चैनल पर वीडियो बना कर डालता थी, तो मैंने उसे पहले पूरे अच्छे तरीके से नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन अब बताता हूँ हुआ क्या था। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को वॉयलेट करते हैं, मतलब उनमें नहीं होते हैं, ठीक है। वो कंटेंट बताऊँगा वो कंटेंट क्या था, और लेकिन वो बताने से पहले एक चीज़ बता दो कि जो अभी का रूल है, मैंने आपको बताया अभी इंट्रो में, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। जो अभी का रूल है उसमें क्या होता है, अगर आपको फर्स्ट स्ट्राइक मिलती है तो आप जो है 1 वीक के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप कस्टम थंबनेल्स लगा नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हो, और ख़ासकर तो कोई आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो ना। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर अगर 1K सब्सक्राइबर्स है तो आपके चैनल पर एक हफ्ते तक ऐड भी नहीं आएगा, आप एक हफ्ते तक अर्न भी नहीं कर पाओगे अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आती है तो, ठीक है। तो भाई अगर आपके चैनल पर सेकेंड स्ट्राइक आते तो आप 2 हफ्ते के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, और अगर आपके चैनल पर तीन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो भाई समझ जाओ कि आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, मतलब डिलीट हो सकता है। अगर आपने सही से अपील कर दी, अच्छे तरीके से अगर आपने यूट्यूब को मना लिया, तो क्या पता भाई कि आज आपका कॉन्टेंट है वो वापस आ जाए, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते भाई मेरा कॉन्टेंट सही था, आपने मेरे कंटेंट को रिमूव क्यों करा, आप जो है ऐसे बोल सकते हो भाई, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ आपको कैसे कंटेंट नहीं बनाना जिससे आपके चैनल में कोई भी दिक्कत आए, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा आई कॉन्टैक्ट बिगड़ गई, एक हफ्ते से कोई भी हमने वीडियो अपलोड नहीं करी ना, इसलिए थोड़ा आई कॉन्टैक्ट बिगड़ा, तो उसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी भाई, सॉरी, ठीक है। तो अब मैं बताऊँ कैसे आपको कॉन्टेंट नहीं बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक कंटेंट भूल कर भी नहीं बनाना है, वो कंटेंट है हाउ टू सेव यूट्यूब वीडियो इन गैलरी। मैं पहले बता दूँ भाई, जो भी क्रिएटर यूट्यूब पर आता है ना, चाहे वो नया हो पुराना हो कोई भी हो, उसके दिमाग सबसे पहले ये तरीका होता है, हम भाई ये बताएंगे यूट्यूब पर हाउ टू सेव यूट्यूब वीडियो इन गैलरी, तो हमें व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, कमेंट्स आएंगे, भाई डाल लो, ठीक है। क्या फ़ायदा होने वाला आपको पहले मेरे को ये बताओ, क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। आपके व्यूज़ आ भी गए, सब्सक्राइबर्स आ भी गए, और अगर आपकी वो वीडियो चल गई और वही आपकी वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से रिमूव हो गई, तो क्या फ़ायदा होगा आपके चैनल का। यूट्यूब पर होता यही है कि मतलब जो आपकी वीडियो वायरल चल रही है, आप उसे अगर डिलीट कर देते हो तो आपकी वीडियो की जो रीच है या फिर आपके चैनल की जो रीच है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है।
तो आपको ये कंटेंट भूल कर भी नहीं बनाना है, हाउ टू सेव यूट्यूब वीडियो इन गैलरी। अगर आपको पता है तो भाई आप हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पे बता सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, उस पर कुछ भी नहीं होगा। बट यूट्यूब पर मत बताना, या फिर क्या होता है कि कई बार आप बता रहे हो कि हाउ टू सेव यूट्यूब वीडियो इन गैलरी, और आप उसमें किसी वेबसाइट की मदद ले रहे हो या फिर आप किसी ऐसे ऐप की मदद ले रहे हो जो कि भाई साहब प्ले स्टोर ना ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है। मतलब ये तो वही तरीका हुआ ना कि भाई है कहीं नहीं और तुम करी कहीं और से रहे हो, ठीक है। जो ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है, आप किसी वेबसाइट या फिर किसी फेक ऐप से कर रहे हो, तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि इनके ऑडियंस कहीं और रीडायरेक्ट हो रहे हैं। तो आपको यही हरकत तो भूल कर ही मत बनाना ये वीडियो, हाउ टू सेव यूट्यूब वीडियो इन गैलरी। अब आप बोल रहे हो भाई यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो है, तो भाई रहने दो, कम्युनिटी गाइडलाइंस ट्राई करने का कोई भी टाइमिंग नहीं है। अगर आपने उनके यूट्यूब के कॉन्टेंट को आपने वॉयलेट अक्रॉस करा है, मतलब उनके आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक को छेड़ा है, तो भाई क्या पता आपके वीडियो पे 10 मिनट बाद ही स्ट्राइक पड़ के आपकी वीडियो डिलीट हो जाए, या फिर आपके वीडियो में 5 साल, 10 साल, 6 साल बाद आपकी वीडियो पे स्ट्राइक आ जाए, या फिर आपकी वीडियो डालते ही स्ट्राइक आ जाए, कोई टाइमिंग नहीं है। मैं पहले बता भाई यूट्यूब पे एक वीडियो है हाउ टू सेव यूट्यूब वीडियो इन गैलरी, वो वीडियो अभी तक है, बट भाई आप लोग जो है मत बनाना, वरना दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होती है। और अगर आप ढंग से अपील कर देते हो तो आपकी जो स्ट्राइक है वो रिमूव हो जाती है, और मेरी जो स्ट्राइक है वो रिमूव तो नहीं हुई है, बट मेरे पास 3 महीने तक का टाइम है, तो मैं जो है 3 महीने में अगर मैं संभल के कॉन्टेंट बनाता हूँ ना, तो क्या पता मेरी 1 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर तक तो है मेरी जो मेरा स्ट्राइक है वो रिमूव हो सकता है, ठीक है। और वह तो मेरी सेकेंड मिस्टेक आती है, सेकेंड मिस्टेक वो आती है कि आपको अपने चैनल पर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बतानी है कि आप पबजी का मॉड APK कैसे डाउनलोड कर सकते हो, फ्री फायर का मॉड APK डाउनलोड कैसे कर सकते हो, GB व्हाट्सअप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। GB व्हाट्सअप, देखो एक तो नॉर्मल व्हाट्सअप होता है और एक GB व्हाट्सअप होता है, अब दोनों भाई फ़र्क क्या है, एक होता है GB व्हाट्सअप और एक होता है नॉर्मल व्हाट्सअप। GB व्हाट्सअप मतलब हैक वर्जन APK, तो आपको ये करना नहीं बताना है। GB व्हाट्सअप, GB फेसबुक, GB इंस्टाग्राम हैक वर्जन कैसे डाउनलोड करो, हैक वर्जन कैसे करें। आप लोग बोल रहे हो भाई ऐसे बहुत सारे कंटेंट है यूट्यूब पर, तू जो है झूठ बोल रहा है, तो भाई उन्हें रहने दो यार, पर तुम्हें क्या बनाने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास और कंटेंट्स है, अगर तुम में टैलेंट है तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट जो वीडियो है उन्हें रहने दो, उन्हें भाई कुछ मत करो, वो वीडियो कभी ना कभी हटेगी, वो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उन कंटेंट्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाना है। और मेरे पे थर्ड मिस्टेक आया थी, जो मैं तो बोलूँगा कि सब करते हैं, कुछ लोग हैं जो कई वीडियो बनाते हैं जिनमें कपड़े उतर रहे होते हैं या फिर कई सेक्सुअल कंटेंट्स होते हैं, तो आपको वैसे कंटेंट नहीं बनाने हैं, वरना यूट्यूब जो है आप पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दे देगा। अगर आप नहीं बना रहे हो, आप किसी कंटेंट उठा रहे हो, तो तभी भी यूट्यूब आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक और कॉपीराइट स्ट्राइक दोनों की दोनों दे देगा, क्योंकि भाई सेक्सुअल कंटेंट है यार, मतलब आप तो भैया आप इंटरनेट को और ज़्यादा गंदा बना रहे हो, ठीक है। तो आपको जो है ये 3 कंटेंट नहीं बनाना है, भूल कर भी मत बनाना भाई, खासकर तो पहला और दूसरा, और जो तीसरे वालों के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, अब उन्हें कुछ है तो उनका कुछ कर नहीं सकते, अपनी लाइफ बेकार कर रहे हैं, तो बाय द वे छोड़ो। बट यही बताना था वीडियो में, सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ भूल कर भाई मत बनाना ऐसी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि 1 हफ्ते से था नहीं ना, वीडियो नहीं आ रही थी, सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट अगर करते हो कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर, तो क्या पता वीडियो आ जाए साथ साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड